जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक नंबर 30, 31, 32, 33 पर चर्चा करेंगे। सर्वे पयते यगाविदो यक्षापिता कल्माशः यक्षिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। सभी यज्ञ करने वाले जिनके पाप यज्ञ के द्वारा नष्ट हो चुके हैं, यज्ञ के बचे हुए अमृत रूपी अन्न को ग्रहण करते हैं और वे सनातन ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण यहाँ यह बताना चाहते हैं कि यज्ञ या त्याग के माध्यम से व्यक्ति के पाप मिट जाते हैं। यज्ञ या त्याग करने के बाद जो शेष बचता है उसे ग्रहण करने से व्यक्ति को संतोष मिलता है, जिसे यहाँ अमृत कहा गया है। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना ही नहीं, बल्कि हर वह कार्य जो निस्वार्थ भाव से किया जाता है, जैसे परोपकार, ध्यान, ज्ञान का आदान प्रदान और सेवा। ऐसे निस्वार्थ कर्म करने वाले व्यक्ति अंत में परमात्मा या ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं, जो सनातन धर्म है। इस श्लोक की सीख यह है, निस्वार्थ कर्म और त्याग के माध्यम से ही आत्मा की शुद्धि होती है। नायम लोको सत्य यज्ञस्य कुन्तो यह कुरुस्तम। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता उसे इस लोक में कोई सुख प्राप्त नहीं होता। फिर दूसरे लोक की बात ही कैसे की जा सकती है? अर्थात यदि हम केवल अपने लिए जीते हैं और धर्म समाज के लिए कुछ भी नहीं करते तो हमारा जीवन अधूरा रहता है। बिना यज्ञ या त्याग के व्यक्ति ना तो यहाँ शांति पा सकता है न ही अगले जीवन में। एवं बहुविधा यगा वितता ब्राह्मणे मुखे कर्म जन विधि तान सखान एवं ज्ञातवा विमोक्ष्यसि। इस प्रकार अनेक प्रकार के यज्ञ ब्रह्म के मुख से प्रकट होते हैं। यह जान लो कि ये सभी यज्ञ कर्म से उत्पन्न होते हैं, इन्हें जानकर तुम मुक्ति प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण जी का कहने का अर्थ यह है कि वेदों में यज्ञ के कई रूपों का वर्णन किया गया, जो जीवन में अलग अलग रूप से किए जाने वाले निस्वार्थ कर्म है। चाहे वह ध्यान हो, दान हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, तपस्या हो या फिर ध्यान हो, ये सभी कर्म से जुड़े हैं। कर्म का सही ज्ञान और निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म व्यक्ति को बंधन से मुक्त कर सकते हैं। श्रेयान द्रव्यमयात् यगा ज्ञान यज्ञा परंतपा सर्वं करामाखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमापयते। हे अर्जुन, भौतिक वस्तुओं से किए गए यज्ञ से ज्ञान का यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी कर्मों का अंतिम उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना ही है। अर्थात भौतिक वस्तुओं से किए गए यज्ञ जैसे धन, अन्न या अन्य वस्तुओं का दान देना महत्वपूर्ण है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है ज्ञान का अर्जन और बांटना। सभी कर्म चाहे वे छोटे हों बड़े हों, अंत में ज्ञान की प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। ज्ञान वह प्रकाश है जो व्यक्ति को अज्ञानता से मुक्त करता है। ज्ञान का अर्थ सबसे ऊंचा है, क्योंकि ज्ञान ही वह साधन है जो सभी कर्मों को पूर्ण करता है। इस श्लोक की सीख, जीवन में भौतिक साधनों से बढ़कर ज्ञान का महत्व है। सही ज्ञान से व्यक्ति सभी समस्याओं पर समाधान पा सकता है। हमारे साथ गीता ज्ञान की खोज में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।